मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय श्रीमान प्रोफेसर राजकुमार जी, विश्वविद्यालय की सुनामधन्य कुलपति महोदया, आदरणीय संत श्री दुलीपुरी पंडित जी और सभागृह में उपस्थित यहाँ के प्राध्यापक गण, आदरणीय विद्वजन, प्यारे विद्यार्थियों, बहनों और भाइयों, आज हम लोग एक गोष्ठी में हैं और डॉक्टर अंबेडकर जी के संबंध में चर्चा करने के लिए उपस्थित है। डॉक्टर अंबेडकर जी का राष्ट्रीय सोच, राष्ट्रीय दर्शन, उनका राष्ट्रीय विचार, ये आज के इस गोष्ठी का मुख्य विचार विषय है। डॉक्टर साहब के नाम से तो सभी लोग परिचित हैं और संभवतः सर्वाधिक गोष्ठी, विचार, पुस्तकें, सेमिनार्स अंबेडकर जी के संबंध में देश में और विदेश में किए जाते हैं। बहुत लोग उनको मानते हैं कि हमारे मसीहा थे, ईश्वर स्वरूप थे, लेकिन बहुत लोग उनको महापुरुष मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि एक वर्ग के नेता थे, लेकिन बहुत लोग मानते हैं नहीं, ऐसा नहीं, वे संपूर्ण मानव जाति के लिए एक महापुरुष और नेता थे। कुछ लोग उनको राष्ट्रीय महापुरुष मानते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं, वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के महापुरुष थे। कुछ लोग मानते हैं वे गांधी जी के विरोधी थे, कुछ लोग मानते हैं गांधी जी और उनके दोनों के अंततोगत्वा लक्ष्य और उद्देश्य एक ही थे। कुछ लोग उनको अनुसूचित वर्ग का नेता मानते हैं, लेकिन कुछ लोग मानते हैं नहीं, वे संपूर्ण राष्ट्र के एक महान नेता थे। कुछ लोग मानते हैं वे क्लास स्ट्रगल में विश्वास करते थे या मार्क्सिस्ट थे, लेकिन डॉक्टर साहब ने हमेशा क्लास स्ट्रगल का विरोध किया। मार्क्सिस्ट का भी बहुत स्थान पर प्रबल विरोध उन्होंने किया और इस तरह से हम देखते हैं कि उनके बहुत सारे आयाम, बहुत सारे स्वरूप लोगों के सामने आते हैं। लोग एक पक्ष देख करके उनके संबंध में निर्णय करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका जो संपूर्ण जीवन है वो बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है और एक एंगल से देखने पर वो एक एंगल के ही दिखते हैं। ऐसा लगता है कि वे यही स्वरूप में हैं। बहुत लोग जानते हैं कि बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, अच्छे अर्थशास्त्री हैं। कुछ लोग मानते हैं वे सोशियोलॉजिस्ट हैं, समाजशास्त्री हैं। उनके रिसर्चेस को देख के लगता है वे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, लेकिन वे लेबर लीडर भी हैं, लेबर मिनिस्टर भी हैं, वे लॉ मिनिस्टर भी हैं। वे अच्छे महाविद्यालय प्रारंभ करते हैं, एजुकेशन पर जोर देते हैं, वे एजुकेशनिस्ट लगते हैं। वे समाचार पत्र चलाते हैं, संपादक भी है, जर्नलिस्ट भी है, वो पॉलिसी मेकर्स भी है, वे सोशल रिफॉर्मर्स भी है, वो बैरिस्टर भी है, कंपेरेटिव रिलीजन्स की अथॉरिटी भी है, कॉन्स्टिट्यूशंस के एक्सपर्ट भी है, फाइन ओरेटर है, पार्लियामेंटेरियन भी है। हम कह सकते हैं कि सो मेनी वर्च्यूज, विजडम्स एंड नॉलेज केम टुगेदर, ऑल असेंबल्ड इन वन। ऐसा देखते हैं ध्यान में आता है कि बहुत सारी ऐसी विविधताएं एक ही शरीर के अंदर एकत्रित हो गई है। डॉक्टर जॉनसन कहते हैं द ट्रू जीनियस इज द माइंड ऑफ लार्ज जनरल पावर्स एक्सीडेंटली डिटरमाइंड टू सम पर्टिकुलर डायरेक्शन, रेडी फॉर ऑल थिंग्स बट चूजन बाय सर्कमस्टेंसेस फॉर वन। विधि ने, नियति ने, परिस्थितियों ने अनेक क्षमताओं के ऐसे प्रज्ञ व्यक्ति को कुछ विशेष काम के लिए प्रेरित किया और संपूर्ण समाज के अंदर एक बड़े परिवर्तन के लिए वे लग गए। हमारा देश और समाज 3000 वर्षों से संघर्षरत था। 2500 वर्ष पूर्व पारसीज के आक्रमण हुए थे, 2300 वर्ष पूर्व ग्रीक लोगों के आक्रमण हुए, 2000 साल पहले शकों के आक्रमण हुए, फिर हूनों के आक्रमण हुए, इस्लाम के आक्रमण हुए, बाद में पुर्तगीज भी आए, डच भी आए, फ्रेंच भी आए, अंग्रेज भी आए।
इतने बाह्य आक्रमण से लड़ने वाला हमारा देश था और 2500-3000 वर्षों तक लगातार यह देश संघर्ष किया। इतने लंबे संघर्ष में बहुत बार विजय भी मिली, बहुत बार पराधीनता भी मिली। पराजित समाज धीरे धीरे सिकुड़ जाता है। पराजित समाज अपने आप को बचाने के लिए अपने अंदर बहुत सारे संशोधन करता है, बहुत सारी दीवारें खड़ी करता है, बहुत सारी अच्छी मान्यताओं को छोड़ने के लिए विवश हो जाता है, बहुत सारी ऐसी परंपराओं को पा लेता है, पकड़ लेता है जो उसके मूल स्वभाव से विपरीत है, लेकिन किसी भी प्रकार से अपने प्राणों की रक्षा करने का प्रयत्न करता है। और इसी में से बार बार कुरीतियां आती हैं, ढोंग आते हैं, पाखंड आते हैं। 2500 वर्षों का हमारा संघर्ष का इतिहास बड़ा विचित्र है। इस धरती पर कोई समाज इतना लंबा संघर्ष नहीं लड़ा और कोई समाज 2500 वर्ष के संघर्ष के बाद जीवित भी नहीं रहा। हमारा समाज जीवित रहा। अनेक प्रकार की ऐसी कुरीतियां, ढोंग, पाखंड और विषमताएं समाज में आ गईं जो अनावश्यक थी। अच्छी बात यही थी कि बार बार समाज में कोई न कोई महापुरुष ऐसा खड़ा होता था जो समाज को परिष्कृत करने के लिए प्रयत्न करता था, समाज में शोधन करता था, समाज को फिर से अपनी मौलिक परंपराओं पर ला करके बांधता था। और इसलिए हमारा देश कभी भी कुरीतियों को नीति और सिद्धांत नहीं मानता, हमेशा उनके शोधन के लिए, उनके परिष्कार के लिए, समाज को उनसे दूर करने के लिए प्रयत्न करता है और फिर से समाज को अपने मौलिक दर्शन के सिद्धांत के खूंटे पर ला करके बांध देता है। डॉक्टर अंबेडकर जी उन महापुरुषों में से है जो समाज के शोधन पर निकले। समाज में आगे किसी भी प्रकार की कुरीति थी, ढोंग था, पाखंड था, विकृतियां थी, विषमताएं थी, उन सब को दूर करके एक अच्छा निर्मल समाज बन जाए, सब दोषों से मुक्त समाज बन जाए, ऐसा काम डॉक्टर साहब ने अपने कंधे पर लिया। डॉक्टर साहब ने अपने जीवन में बार बार कहा, मेरे को जो प्रेरणा प्राप्त हो रही है वो अपने इस देश के महापुरुषों के द्वारा प्राप्त हो रही है। उन्होंने कहा, मेरे तीन गुरु हैं। पहले गुरु मेरे महात्मा बुद्ध है। उस समय समाज में जो विकृतियां आ गईं, उन विकृतियों को दूर करने का भगवान बुद्ध ने काम किया। काम करते करते बुद्ध ने क्रोध नहीं किया, बुद्ध ने किसी को दोष नहीं दिया, बुद्ध ने हिंसा का सहारा नहीं लिया। करुणा, प्रेम, ममता, शुचिता, पवित्रता, इसके आधार पर उन्होंने एक नया दर्शन दिया और फिर से समाज को अपने मौलिक आदर्शों के किनारे भी ले आए। नहीं वैरे न वैरानी संबंति के कुदाचलम, वैर से वैर कभी समाप्त नहीं होता। शत्रुता को समाप्त करने के लिए प्रेम चाहिए, लोगों को सुधारने के लिए आत्मीयता चाहिए, करुणा चाहिए। इसलिए बुद्ध मेरे पहले गुरु हैं। दूसरे गुरु और दूसरी क्रांति के जन्मदाता वे कबीर को मानते थे। कबीर के सामने भी समाज में विकृतियां, ढोंग, पाखंड अधिक था। कबीर निर्भय है, कबीर हिम्मती है, कबीर उन लोगों को वाणी देता है जिनको वाणी नहीं, कबीर उनको मंच देता है जिनको मंच नहीं, कबीर हिम्मत के साथ बोलता है, कबीर हिम्मत के साथ प्रश्न भी पूछता है, कबीर जवाब मांगता है। हम छोटे कैसे हुए, हम अछूत कैसे हुए? और इसलिए कबीर ने उन लोगों को वाणी और शब्द दे दिया जो मूक थे, उनको मंच दे दिया जो बिखरे हुए थे, उनका नेतृत्व किया जिनका कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था। हिम्मत के साथ बांध करके रखता है, उसका नाम कबीर है और कबीर मेरा दूसरा गुरु है। तीसरा गुरु उन्होंने कहा, महात्मा फुले मेरे गुरु है। जब समाज में शिक्षा नहीं है, महिलाओं को, बालिकाओं को, ग्रंथों के अच्छे अर्थ नहीं है, जाति के आधार पर भेदभाव गहरा है, महात्मा फुले खड़े हो जाते, बालिकाओं की शिक्षा के लिए अपनी पत्नी को तैयार करते, समाज के विरोध के बावजूद भी बालिकाओं की शिक्षा के लिए विद्यालय खड़े करते, ग्रंथों के नए नए अनुवाद करते,
जो विकृतियां ग्रंथों में आ गई उनको निकाल करके बाहर करते और समाज को एक नई दिशा देते हैं। अपमान सहन करते हैं, क्रोध नहीं करते, समाज को एक शिक्षा के मार्ग पर ले आते हैं, ग्रंथों के नए प्रकाशन करते हैं, जो ग्रंथ इस काल के अनुरूप नहीं उनको निकाल के बाहर कर देते हैं। और इसलिए महात्मा फुले मेरे तीसरे गुरु हैं। डॉक्टर साहब का कहना है कि फ्रेटर्निटी लिबर्टी ये सब जो बातें हैं जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से मैंने प्राप्त नहीं किया है, जो इक्वलिटी है फ्रेटर्निटी है लिबर्टी है ये लोग समझते होंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, नहीं नहीं नहीं, मैंने भगवान बुद्ध से प्राप्त किया है। भ्रातृत्व भाव है, समानता है, ये बात मैंने भगवान बुद्ध से उनके दर्शन से प्राप्त किया है। बंधुत्व का भाव उनके दर्शन से प्राप्त किया है। और इसलिए डॉक्टर साहब इन तीन अपने भारतीय महापुरुषों को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं और उनके जीवन को हम देखते हैं। राष्ट्रीय दृष्टिकोण से हम देखने का प्रयत्न करें, वो अभाव में कैसे पढ़े, कैसे बढ़े, कैसे भेदभाव का अनुभव उनको हुआ, उसकी चर्चा मैं यहां पर नहीं करता। जब विदेश में पढ़ने के लिए गए तो उन्हें अर्थशास्त्र को अपना प्रमुख विषय बनाया। 1915 में उन्होंने थीसिस लिखा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फाइनेंसेस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। बाद में उन्होंने डीएससी किया 1923 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। 25 में उन्होंने अलग पीएचडी किया कोलंबिया से, द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। जो 1922 का उनका जो डीएससी का डिग्री था प्रॉब्लम ऑफ रूपी, उनका 23 में पब्लिकेशन हुआ। उस ग्रंथ में उन्होंने स्पष्ट किया कैसे ब्रिटिशर्स ने भारत में भारतीय जनता का शोषण किया है, कैसे पैसे को और पाउंड के साथ मिला करके भारत के अंदर गरीबी लाने का काम ब्रिटिशर्स ने किया है। ये जो प्रॉब्लम ऑफ रूपी है 1922 का उनका थीसिस है, इतना लोकप्रिय हो गया ब्रिटेन में, इसको लेकर के बड़ा उद्यम हो गया, ब्रिटिशर्स नाराज हो गए, लेकिन डॉक्टर साहब ने उसमें परिवर्तन करने से मना कर दिया। आश्चर्य की बात है कि 1922 का थीसिस, 23 का पब्लिकेशन, और इस देश के किसी बड़े विश्वविद्यालय में वो रिसर्च आगे नहीं बढ़ता। सेमिनार तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी कराते हैं, इकोनॉमिक्स के डिपार्टमेंट भी ये पुस्तक नहीं रखते, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर भी ये बात पर ध्यान नहीं देते। भारत में जो इकोनॉमी थी उस इकोनॉमी की बर्बादी हुई कैसे, जो एंगस मेडिसन ने अभी पुस्तक लाए हैं जिसमें दुनिया के देशों की इकोनॉमी के बारे में कहा है, और भारत के बारे में जो कहा है कि भारत की जो इकोनॉमी आते 3000 साल पहले वर्ल्ड इकोनॉमी में 30% 34% शेयर रखती थी, ये एंगस मेडिसन ने अभी कहा है 10 साल पहले। डॉक्टर साहब ने 100 साल पहले कहा है ये बात। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, हमारे देश के विश्वविद्यालय में उस रिसर्च को आगे नहीं बढ़ाया। और इसलिए बेसिकली देखा जाए तो वे इकोनॉमिक्स के आदमी थे, उनका बड़ा रिसर्च वर्क इकोनॉमिक्स में है। मैं जरूर मैं आग्रह करना चाहूंगा इस विश्वविद्यालय के उन प्राध्यापक बंधुओं से, क्या उस रिसर्च को भी आगे बढ़ा सकते हैं, भारत की आर्थिक बर्बादी का कारण क्या था, जो 33-34% शेयर होल्डिंग की इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी में रखता था वो देश इतना गरीब कैसे हो गया। भारत एक आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, डॉक्टर अंबेडकर भी उसमें भाग लेना चाहते थे, उसमें दो इश्यूज चलते थे कि पहले पॉलिटिकल फ्रीडम या सोशल रिफॉर्म्स। डॉक्टर साहब का कहना था कि सोशल रिफॉर्म्स पहले लाइए, अगर सामाजिक सुधार नहीं होंगे तो आजादी का भी क्या परिणाम हमको मिलेगा। कांग्रेस कहती थी सोशल रिफॉर्म्स हम बाद में ले आएंगे, साथ साथ भी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन पहले आजादी आने दो। एक छोटा सा ये आपस में ये थोड़ा सा मतभेद मतभिन्नता चलती रहती थी कि पहले पॉलिटिकल रिफॉर्म्स या पहले सोशल रिफॉर्म्स। डॉक्टर साहब का मानना था कि सोशल रिफॉर्म्स पर पहले चर्चा करो, अगर आप सोशल रिफॉर्म्स से चर्चा करेंगे तो आजादी की लड़ाई में मैं आपके साथ रहूंगा और आपसे ज्यादा तेजी से ज्यादा सार्थकता से लड़ाई लड़ूंगा।
26 अप्रैल 1942 मुंबई में कामगार मैदान पर वे भाषण दे रहे हैं और कांग्रेस के नेताओं को संबोधित करते हुए बोल रहे, यू आर फाइटिंग फॉर स्वराज, आई एम रेडी टू ज्वाइन यू एंड आई मे अश्योर यू दैट आई कैन फाइट बेटर देन यू, आई मेक ओनली वन कंडीशन, टेल मी व्हाट शेयर आई एम टू हैव इन द स्वराज, इफ यू डोंट वांट टू टेल मी दैट एंड वांट टू मेक अब विद द ब्रिटिश बिहाइंड माई बैक हेल ऑन बोथ ऑफ यू। ब्रिटेन में और कोलंबिया में रहते हुए जो अपने जो रिसर्च वर्क उन्होंने किए, थीसिस लिखे, उसमें भारत के बारे में कैसा वे वर्णन करते हैं इसको समझना जरूरी है। भारत पराधीन है और डॉक्टर साहब एक अनुसूचित वर्ग में पैदा हुए, वहां पले बड़े हैं, अनेक प्रकार का दुख अपमान सहन करने वाले देखने वाले हैं, लेकिन भारत को देखने की दृष्टि कैसी है। उन्होंने अपने आर्टिकल से भारत के बारे में जो वर्णन किया है वो आश्चर्यजनक है। वो भारत को कहते हैं भारत कितना सुंदर है मेरा, क्योंकि भारत की विविधता कैसी है, क्या फ्लोरा फौना कैसा है, क्या कि सांस्कृतिक एकता कैसी है, फंडामेंटल यूनिटी कैसी है, और इसके बारे में कहते हैं पूरा देश नीचे से ऊपर तक बाएं से दाएं तक एक है। और जो लोग बाद में कहते हैं देश एक नहीं है, उनके लिए एक अच्छा जवाब डॉक्टर साहब ने लिखा है कास्ट इन इंडिया, उसमें डॉक्टर साहब लिखते हैं भारत में जो यूनिटी है, जो फंडामेंटल है, मौलिक है, हजारों वर्षों की है, उसको समझने की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब लिखते हैं इट इज द यूनिटी ऑफ कल्चर दैट इज द बेसिस ऑफ होमोजेनाइटी, टेकिंग दिस फॉर ग्रांटेड आई वेंचर टू से दैट देयर इज नो कंट्री दैट कैन राइवल द इंडियन पेनिनसुला विथ रिस्पेक्ट टू द यूनिटी ऑफ इट्स कल्चर, इट हैज नॉट ओनली अ जियोग्राफिक यूनिटी बट इट हैज ओवर एंड अबव ऑल ए डीपर एंड ए मच मोर फंडामेंटल यूनिटी द इनडिबिटेबल कल्चरल यूनिटी दैट कवर्स अ लैंड फ्रॉम एंड टू एंड। भारत की मौलिक एकता के विरोध में कुछ लोग लिखते हैं, वो कहते हैं भारत अनेक देशों का एक देश है, डॉक्टर साहब कहते हैं नहीं, ये देश एक है फ्रॉम एंड टू एंड, एक देश है, और ये फंडामेंटल यूनिटी के पीछे कुछ अंतर्निहित धाराएं, कुछ बातें हैं जिन्होंने इस देश को एक बना करके रखा है, वो सामान्य बातें नहीं है, वो असामान्य बातें हैं, हजारों वर्षों से ये देश एक है। पॉलिटिकली बहुत सारे राजा होंगे, पॉलिटिकली राज बहुत सारे होंगे, लेकिन देश एक है। हमारे देश में समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया जी हो गए, हम लोग उनका नाम जानते हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है धरती माता भारत माता, वो धरती माता भारत माता में लिखते हैं एक चैप्टर उसमें राम के ऊपर है, एक चैप्टर कृष्ण और एक चैप्टर शिव के ऊपर है। राम मनोहर लोहिया कहते हैं मैं धार्मिक व्यक्ति नहीं हूं, मैं पूजा पाठ कर्म कांड मंदिर इसमें विश्वास नहीं करता, मैं किसी पूजा के लिए मंदिर में जाता भी नहीं। लेकिन राम मनोहर लोहिया जी आगे लिखते हैं इस देश में राम नाम का एक महामानव हो गया जो उत्तर से लेकर के दक्षिण तक सारे भारत को एक कर देता है, इस देश में कृष्ण नाम का एक महामानव महापुरुष हो गया, उसको भगवान मानो न मानो वो पूरब से लेकर पश्चिम और पश्चिम से लेकर पूरब देश को एक कर देता है। वो कहते हैं इस देश में शिव की कल्पना है, ये देश सारा शिव को मानता है, कैलाश से कन्याकुमारी तक पूरब से पश्चिम तक शिव सारे देश में एक है, हरे देश को एक बनाए रखता है। राम मनोहर लोहिया आगे इस पुस्तक में लिखते हैं भारत के किसी भी एक बड़े मंदिर में जाकर के कोने में चुपचाप खड़े हो जाओ, वो रामेश्वरम का मंदिर हो चाहे मदुरई का, चाहे द्वारका का मंदिर हो सोमनाथ का, एक घंटे के अंदर आपके आंखों के सामने से हिंदुस्तान निकल जाएगा। यह स्थान हमारे देश की एकता के प्रतीक है, डॉक्टर साहब इसी बात को उल्लेख करते हैं, हमारे देश के अंदर कोई फंडामेंटल यूनिटी है। राम मनोहर लोहिया आगे लिखते हैं मैं रामेश्वरम गया,
मैं ऐसे दौड़ करके गया जैसे गाय अपने बछड़े से मिलने के लिए जाती है। मैं कभी मंदिर नहीं जाता। कौन सी भावना ऐसी थी जो मेरे को दौड़ करके अंदर तक ले गई? मैं धार्मिक नहीं हूं, क्योंकि हजारों वर्ष की कुछ परंपराएं हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी ने इन परंपराओं का उल्लेख किया। डॉक्टर अंबेडकर जी ने यह भी कहा कि प्राचीन भारत कैसा था, हमारा जियोग्राफी कैसी थी, हमारे रिसोर्सेज कैसे थे। इस मेरे भारत के अंदर रिसोर्सेज इतने ज्यादा है, पूरे यूरोप में उतने नहीं है। पूरे यूरोप के अंदर फ्लोरा फौना उतना नहीं है जितना मेरे देश के अंदर है। अपने रिसर्च थीसिस में अपने देश के इस सारे वर्ल्ड का भी उल्लेख करते हैं, एंशियंट इंडियन कॉमर्स, कॉमर्शियल रिलेशंस ऑफ इंडिया इन द मिडिल ईस्ट। ये जो उन्होंने ग्रंथ लिखा, इसके अंदर सारे देश की विविधता, देश की जियोग्राफी, देश का फ्लोरा एंड फौना, ये सब उसमें उन्होंने उल्लेख किया। कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। जब तक अपनी मातृभूमि के प्रति मन में अतीव श्रद्धा न हो, ठीक है सामाजिक दृष्टि से वे अपमानित हो रहे, सामाजिक दृष्टि से वे कष्ट पा रहे, लेकिन मातृभूमि के बारे में, देश के बारे में उनका जो चिंतन है वो आज भी लोगों की आंख खोलने के लायक है। और जिन ग्रंथों का मैं नाम ले रहा हूं एंशियंट इंडियन कॉमर्स के संबंध में, आज के नवयुवक जानते न प्रोफेसर इन ग्रंथों को बच्चों को बताते। अब मैं कुछ राष्ट्रीय मुद्दों पर आता हूं। अंग्रेजों ने एक बड़ा भ्रम उत्पन्न किया। अंग्रेज बात में माहिर था कि जहां पर वो शासन करता था उस समाज के अंदर वहां के प्रति हीन भाव पैदा कर दो, इन्फीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स पैदा कर दो। ये कर देने से वहां का समाज अपने देश के लिए लड़ने लायक ही नहीं बचेगा। पहले कैथरीन मे और मदर इंडिया नाम की किताब लिखती है, जिसको गांधी जी कहते हैं, ये गटर में जो इंस्पेक्टर होता है उसकी रिपोर्ट लिखती है, ये गंदा लिखती है। हमारे देश के लोग आलसी है, हमारे देश के लोग जाहिल है, हमारे देश के लोग अकर्मण्य है, हमारे देश के लोग अशिक्षित है, ये सब बातें उन्होंने प्रोपेगेट करने का काम किया। लेकिन उनके सामने एक दुविधा आ गई। उनको यह समझ में आ गया कि आर्य जाति सारे दुनिया की श्रेष्ठ जाति है, लेकिन उसका उसका स्थान भारत है। और दुनिया की सबसे श्रेष्ठ जो जाति है वो आर्य है और उसका ओरिजिन भारत में है, तो इसको कैसे गलत सिद्ध करेंगे? इसका मतलब भारत के लोग बेसिकली इंटेलिजेंट है, जिन्होंने वेदों की रचना की है। क्योंकि असभ्य जाति नहीं थी जिसने वेदों की रचना की और इसे एक नई थ्योरी प्रोपोगेट किए, एक हाइपोथेसिस बनाए। आर्य लोग श्रेष्ठ तो हैं, लेकिन भारत के नहीं है, बाहर से आए हैं। आर्यन इन्वेजन थ्योरी बनाई। डॉक्टर साहब ने 1930s में एक 400 पेज का ग्रंथ लिखा, आर्यन इन्वेजन थ्योरी के खिलाफ लिखा। आज से 90 वर्ष पूर्व ग्रंथ लिखा है, Writings and Speeches, Volume 7, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का पब्लिकेशन है, हमको पढ़ना चाहिए। डॉक्टर साहब कहते हैं ये कॉन्कोक्टेड हाइपोथेसिस है। पहले अंग्रेजों ने कल्पना करी, चार बाहर से आए, बाद में एविडेंस ढूंढ करके ला करके लगाने की कोशिश की। डॉक्टर साहब की पुस्तक को अब 90 वर्ष बीत गया। उस समय डॉक्टर साहब कहते हैं महाराष्ट्र में देखो ना, महार भी है, मराठा भी है, दोनों का गोत्र एक है, नेजल इंडेक्स एक है। पंजाब में देखिए, वहां अनुसूचित जाति के लोग भी हैं और अन्य लोग भी हैं, वहां के ब्राह्मण जाट और वहां के अनुसूचित जाति के लोगों का नेजल इंडेक्स, जो ब्रेन के अंदर का कैपेसिटी, वो सब बराबर है, उनके गोत्र समान है। अरे बहुत सारे उन्होंने उदाहरण दिए हैं। अंत में वे लिखते हैं एक झूठा एक सिद्धांत स्थापित करने की कोशिश की गई थी, आर्य बाहर से नहीं आए। 33 बार ऋग्वेद में आर्यों का वर्णन है और कई बार रेस के नाम से नहीं है। दुर्भाग्य है वो शोध आगे ज्यादा नहीं बढ़े। यदि भी हम नए डीएनए टेस्ट आ रहा है, नए नए पुराने जो नीचे से खुदाई में मिल रहा है, सिद्ध हो चुका आर्य बाहर से नहीं आए थे,
रामविलास शर्मा हमारे एक वामपंथी बड़े लेखक हो गए, विद्वान व्यक्ति है। उन्होंने पश्चिम एशिया और ऋग्वेद नाम की पुस्तक लिखी है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने छापी है, आज से लगभग 35-30 वर्ष पूर्व वो पुस्तक छपी। उस पुस्तक में उन्होंने एक रहस्योद्घाटन किया। रामविलास शर्मा जी लिखते हैं, आर्य लोग सघोष महाप्राण ध्वनिया बोलना जानते थे। ये सघोष महाप्राण ध्वनिया क्या है? जो हिंदी की वर्णमाला है उसको जब बोलेंगे तो ख आएगा ख, और घ आएगा थ आएगा फ आएगा ठ आएगा ढ आएगा ढ आएगा, ये सघोष महाप्राण ध्वनियों के अक्षर है। पूरा यूरोप ये नहीं बोल सकता, वो फ्रेंच है, लैटिन है, ग्रीक है, इंग्लिश है, स्पेनिश है, पुर्तगीज है, इन भाषाओं में ये ध्वनि नहीं है, ये अक्षर नहीं है। आर्य लोग बोलते हैं। रामविलास शर्मा ने कहा, यदि आर्य लोग ये ध्वनियां बोलते हैं, जहां से आए थे वहां कहां है बताइए हमको। अरे जहां से आए होंगे वहां कुछ लोग रह गए होंगे, बोलते होंगे। यूरोप में कोई देश, यूरोप की कोई भी भाषा सघोष महाप्राण ध्वनि बोल ही नहीं सकती। मेरठ ठा बोल के दिखाइए, तो अंग्रेज मेरठ नहीं बोल सकता, MEERUT ये लिखता है। मथुरा है, मथुरा में था आता है, मथुरा रेलवे स्टेशन में जाओ आपको एक पत्थर लगा मिलेगा पुराना 100 साल पहले का, मथुरा की स्पेलिंग क्या लिखा है देखिए आप जरा, MUTTRA। वो था नहीं बोल सकता। तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी तो अकेले एक ही सिद्धांत पर धड़ाम गिर जाती है, लेकिन हमारे पास ऐसे सुंदर सुनाम धन हमारे बंधु हैं जो अभी भी यही कहते हैं आर्य बाहर से आए थे, मानने को तैयार नहीं। और इसे डॉक्टर साहब की इस थीसिस पर फिर से लंबी बड़ी रिसर्च होनी चाहिए, कुछ लोग सामने आवे। डॉक्टर साहब ने कहा, भाषा के आधार पर प्रांतों की रचना मत करो, एक भाषा भाषी लोगों का एक ही प्रांत होना चाहिए, इसकी आवश्यकता क्या है? एक भाषा भाषी लोगों के दो प्रांत हो सकते हैं, सारे मराठी भाषी लोगों के एक प्रांत में क्यों लाते हो? मराठी बोलने वाले ज्यादा लोग हैं, उनके दो प्रांत बना दो। तेलुगु वाले ज्यादा लोग हैं, उनके दो प्रांत बनाओ। भाषा के आधार पर प्रांत बनाना ये उचित नहीं है। अब देखिए, तेलुगु के आधार पर आंध्र प्रदेश बना, भाषा एक ही है, दो प्रांत बनाने पड़ गए, तेलंगाना अलग हो गया। और ये भाषा के आधार पर नहीं, प्रशासनिक आवश्यकता और सुविधा के अनुसार आप प्रांतों की रचना करिए। लेकिन उसे उनकी बात नहीं मानी गई। विदेश नीति के बारे में डॉक्टर साहब कहते हैं कि 47 में हमारा कोई भी विरोधी नहीं था, 51-52 आते आते एक भी देश हमारे समर्थन में UN में खड़ा नहीं होता। ये क्या हो गया 3-4 साल के अंदर? हम कश्मीर के मुद्दे को लेकर के गए, हमको एक भी सपोर्टर UN में नहीं मिला। हमारी विदेश नीति का क्या हाल है? डॉक्टर साहब कहते हैं, तिब्बत पर चीन आ रहा है, अपने को सावधान रहना, तिब्बत को बचाना चाहिए। अगर चीन तिब्बत को ले लेगा तो उसकी सीमा हमसे मिल जाएगी, हमको तिब्बत बचाना चाहिए। डॉक्टर साहब की बात नहीं सुनी गई, 370 का विरोध किया। और जब शेख अब्दुल्ला ने डॉक्टर अंबेडकर जी को कहा कि हमको कुछ अधिक अधिकार दीजिए कश्मीर के लिए, तो शेख अब्दुल्ला को जो डॉक्टर साहब ने कहा वो मैं वाक्य पढ़ता हूं, तुम चाहते हो कि भारत कश्मीर की रक्षा करे, कश्मीरियों को पूरे भारत में समान अधिकार मिले, पर भारत और भारतीयों को तुम कोई अधिकार नहीं देना चाहते। मैं भारत का कानून मंत्री हूं और मैं अपने देश के साथ इस प्रकार की धोखाधड़ी और विश्वासघात करने में शामिल नहीं हो सकता। अपना नया संविधान आ रहा था तो डॉक्टर साहब को कई बातों की चिंता थी। डॉक्टर साहब ने कहा, लोकतंत्र ला रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या पहले लोकतंत्र नहीं था? पहले लोकतंत्र था, हमने आजादी की लड़ाई में बहुत सारे नए नए प्रयोग किए हैं, हमने धरने दिए हैं, हमने प्रदर्शन किए हैं, हमने सरकारी कानून की अवज्ञा की है,
हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाए हैं। अब ध्यान में रखो, अब संविधान अपना है, अब सरकार अपनी है, आपके पास अपनी बात कहने के लिए व्यवस्था है। आप विधानसभा में जाओ, आप लोकसभा में जाओ, आपके पास जुडिशियरी है, आपके पास प्रेस है। और अब ये पुराने जो आदत पड़ गई है उसको जल्दी से छोड़ दो। धरना, प्रदर्शन, कानून न मानना, ये छोड़ दो। लोकतंत्र के नाम पर इन अधिकारों का प्रयोग अब नहीं करना। अगर करोगे तो हमारा लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, ध्यान में रखना। और डॉक्टर साहब लिखते हैं, इफ यू विश टू मेंटेन डेमोक्रेसी नॉट मेयरली इन फॉर्म बट ऑल्सो इन फैक्ट, व्हाट मस्ट वी डू? द फर्स्ट थिंग इन माई जजमेंट वी मस्ट डू इज टू होल्ड फास्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स ऑफ अचीविंग आवर सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। इट मीन्स वी मस्ट अबंडन द ब्लडी मेथड्स ऑफ रेवोल्यूशन। इट मीन्स दैट वी मस्ट अबंडन द मेथड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कोऑपरेशन एंड सत्याग्रह। मतलब इसकी आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर साहब जानते थे कि 60-70 वर्षों में जो आदत लगी है एकदम जाएगी भी नहीं, और इसलिए फिर से लोग सड़क पर आकर के बैठेंगे, धरने लगाएंगे, ट्रेन रोकेंगे, वो ठीक नहीं होगा, और अपने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को नष्ट कर देंगे। डॉक्टर फिर समझाते हैं, व्हेन देयर वाज नो वे लेफ्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स फॉर अचीविंग इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स, देयर वाज ए ग्रेट डील ऑफ जस्टिफिकेशन फॉर अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स, बट वेयर कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स आर ओपन देयर कैन बी नो जस्टिफिकेशन फॉर दीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स। दीज मेथड्स आर नथिंग बट द ग्रामर ऑफ एनार्की एंड द सूनर दे आर अबंडन्ड द बेटर फॉर अस। संविधान जब आया और संविधान जब पास होने वाला था 25 नवंबर 1949, कम्युनिस्ट लोग विरोध कर रहे थे संविधान का, कुछ समाजवादी भी विरोध कर रहे थे, लेकिन कम्युनिस्ट लोग विरोध कर रहे थे। डॉक्टर साहब ने उसका उत्तर दिया है, 25 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उनका लास्ट स्पीच है। वो बोलते हैं, ये क्यों विरोध कर रहे हैं मालूम है आपको? द कंडमनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लार्जली कम्स फ्रॉम टू क्वार्टर्स, द कम्युनिस्ट पार्टी एंड द सोशलिस्ट पार्टी। व्हाई डू दे कंडेम द कॉन्स्टिट्यूशन? इज इट बिकॉज इट इज रियली अ बैड कॉन्स्टिट्यूशन? आई वेंचर टू से नो। द कम्युनिस्ट पार्टी वांट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ द डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट। दे कंडेम द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट इज बेस्ड अपॉन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। डॉक्टर साहब ने स्पष्ट किया, ये विरोध क्यों कर रहे हैं? ये लोकतंत्र देश में आ गया है, इसके कारण से विरोध कर रहे हैं, इनको डिक्टेटरशिप चाहिए। डॉक्टर साहब वाज वेरी क्लियर इन लोगों के बारे में। डॉक्टर साहब ने कहा, मेरे ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं कुछ लोग, मैंने केंद्र को कुछ ज्यादा ताकत दे दी है, राज्यों के अधिकार कुछ कम किए हैं। डॉक्टर साहब ने कहा, बताओ कभी संकट की घड़ी आएगी तो कौन निर्णय करेगा? किसी विशेष परिस्थिति में देश फंसेगा तो समाज किसकी ओर देखेगा, राज्यों की ओर या केंद्र की ओर? राज्यों को पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं, लेकिन जब कभी देश पर विपत्ति आएगी, कोई संकट का क्षण आएगा, अचानक कोई आवश्यकता आएगी, उसके लिए केंद्र के अधिकारों को सुरक्षित रखना संविधान में आवश्यक है। मैंने वो काम किया है। वे लिखते हैं, When all formation are stripped away, the bare question is, what authority commands the residual loyalty of the citizen? Is it the center or the constituent state? अंबेडकर बोलते हैं, there can be no doubt that in the opinion of the vast majority of the people, the residual loyalty of the citizen in an emergency must be to the center and not to the constituent states. For it is only the center which can work for a common end, for the general interest of the country as a whole.
डॉक्टर साहब कहते हैं ऐसे संकट के समय में हम लोग किसी भी प्रकार से अधिकारों को राज्यों के हाथ में नहीं दे सकते, जब देश के ऊपर सामूहिक रूप से कोई बड़ा संकट आएगा। और जो उस समय की व्यवस्था उन्होंने संविधान में की है, बाकी सामान्य समय में राज्यों को अधिकार पूरे दिए। अब दूसरी बार डॉक्टर साहब कहते हैं क्या हम गणतंत्र को पहली बार ला रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। भारत दुनिया का पहला गणराज्य था। वैशाली का गणराज, वज्जी का गणराज, मगध के गणराज, बहुत सारे गणराज थे जहां पर व्यवस्था थी। गांव गांव से चुन करके लोग आते थे और वो चुनाव जो होता था वो यूनानिमस था। वैशाली के गणराज में 7,707 प्रतिनिधि होते, 7,707 रिप्रेजेंटेटिव्स वर देयर इन वैशाली। तो वैशाली का रिपब्लिक जो है उसमें 7,707 बिल्डिंग्स थी, 7,707 उस वैशाली के अंदर सरोवर थे, तो हर एक रिप्रेजेंटेटिव के साथ थे और व्यवस्थित रूप से उनका सदन बैठता था, वहां चर्चा होती थी, प्रस्ताव आते थे, प्रस्ताव पारित होते थे। लेकिन ये सारे प्रतिनिधि मेजोरिटी और माइनॉरिटी से चुन करके नहीं आते थे, ये सारे प्रतिनिधि सर्वसम्मति से चुन करके आते थे। लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं यही व्यवस्था बुद्ध के संघ में भी थी। बुद्ध के जो संघ थे उन संघों में यही पार्लियामेंट्री व्यवस्था थी, उनके पास सारी व्यवस्थाएं थी। वो लिखते हैं दे हैड रूल्स रिगार्डिंग सीटिंग अरेंजमेंट्स, रूल्स रिगार्डिंग मोशंस, रिजोल्यूशंस, कोरम, व्हिप, काउंटिंग ऑफ वोट्स, वोटिंग बाय बैलेट, सेंसर मोशन, रेगुलराइजेशन। ये सब बातें बुद्ध संघ में थी और ये सब बातें उन्होंने उस सिस्टम से ली थी। और देखो ये कहे कि हमने कोई ये पश्चिमी जगत से लिया है, ये नहीं, हम गणराज पुराने हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि संविधान चलेगा कि संविधान नहीं चलेगा, लोग मेरे से प्रश्न पूछते हैं संविधान अच्छा है कि संविधान खराब है, ये देश को ठीक मार्ग पर ले जाएगा या नहीं ले जाएगा। डॉक्टर साहब को कोई भ्रम नहीं है। डॉक्टर साहब कहते हैं कितना भी अच्छा संविधान ला करके दे दीजिए, अगर नागरिक ठीक नहीं है संविधान फेल हो जाएगा, और कितने भी अच्छे लोग अगर समाज में हैं संविधान खराब भी रहा तो देश ठीक चल जाएगा। तो जब डॉक्टर साहब को पूछा संविधान अच्छा संविधान बुरा, संविधान सफल होगा कि संविधान फेल हो जाएगा, क्या मेरिट में बताते हैं आप, तो डॉक्टर साहब बोलते हैं आई शैल नॉट देयर फॉर एंटर इन टू द मेरिट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज आई फील हाउएवर गुड ए कॉन्स्टिट्यूशन मे बी इट इज श्योर टू टर्न आउट बैड बिकॉज दोज हु आर कॉल्ड टू वर्क इट हैपन टू बी ए बैड लॉट। हाउएवर बैड ए कॉन्स्टिट्यूशन मे बी इट मे टर्न आउट टू बी गुड इफ दोज हु आर कॉल्ड टू वर्क इट हैपन टू बी ए गुड लॉट। द वर्किंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिपेंड होल्डली अपॉन द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। The constitution can provide only the organs of a state, such as the legislature, the executive, and the judiciary. The factors on which the working of those organs of the state depend are the people and the political parties. They will set up as their instruments to carry out their wishes and their policies. Who can say how the people of India and their purposes, or will they prefer revolutionary methods of achieving them? If they adopt the revolutionary methods, however good the constitution may be, it requires no prophet to say it will fail. It is therefore futile to pass any judgment upon the constitution without reference to the part which the people and their parties are likely to play. वो कहते हैं इस बात को बताने के लिए कोई प्रोफेट की जरूरत नहीं है, संविधान फेल होगा या संविधान चलेगा मैं ही बता देता हूं, अगर आदमी अच्छे नहीं रहे तो निश्चित मानिए ये संविधान फेल हो जाएगा। लोग अपनी पार्टीज के हितों को पहले रखेंगे या देश के हित को पहले रखेंगे, लोग अनुशासित रहेंगे या अनुशासित नहीं रहेंगे, लोग ईमानदार रहेंगे या बेईमान रहेंगे, संविधान इसमें क्या करेगा।
अगर लोग अच्छे होंगे तो निश्चित मानिए संविधान सफल हो जाएगा। डॉक्टर साहब हिंदू कोड बिल के ऊपर डिबेट चलाते हैं, हिंदू कोड बिल आना चाहिए, तो हिंदू कोड बिल को डिफाइन करते हैं उसको सुनिए। दिस कोड अप्लाइज ए टू ऑल हिंदूज, दैट इज टू से टू ऑल पर्संस प्रोफेसिंग द हिंदू रिलीजन इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म्स और डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग वैष्णव और लिंगाइस, मेंबर्स ऑफ ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज और आर्य समाज। बी टू एनी पर्सन हु इज बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन। दिस कोड ऑल्सो अप्लाइज टू एनी पर्सन हु इज नॉट ए मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू बाय रिलीजन। उनके ये जो मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी एंड ज्यू, ये चार रिलीजन बाहर से आए हैं, इनके अलावा जो जो लोग हैं उन सब पर हिंदू कोड भी लागू होगा। आगे बोलते हैं और उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया। एप्लीकेशन ऑफ हिंदू कोड टू अ सिक्स बुद्धिस्ट एंड जैन्स वाज ए हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। आगे बोलते हैं व्हेन बुद्धा डिफर्ड फ्रॉम वैदिक ब्राह्मिन्स ही डिड सो ओनली इन मैटर्स ऑफ क्रीड एंड लेफ्ट हिंदू लीगल फ्रेमवर्क इंटैक्ट। ही डिड नॉट प्रोफाउंड ए सेपरेट लॉ फॉर हिज फॉलोअर्स। द सेम वाज द केस विद महावीर एंड द सिख गुरु। यह भी कहा, उन्होंने कहा भगवान बुद्ध ने एक नया विचार दिया था, कोई कोड नहीं बना करके दिया, सिख गुरुओं ने भी एक अच्छा विचार दिया, जो कुरीति आ गई, समस्या आ गई, उसको दूर किया। अंतिम भाषण में, अंतिम पैराग्राफ में भी चिंतित हो गए। जो नवंबर का भाषण है 1949 का, उसमें चिंतित हो गए और परेशान है। परेशान इस कारण से हैं, वे कह रहे हैं हम आजाद हो गए, अपना नया संविधान हम ला रहे हैं और अभी 26 जनवरी को संविधान आ जाएगा, तो क्या हम अपनी आजादी को स्थिर रख पाएंगे? भारत तो पहले भी आजाद था, अपनी आजादी खोया क्यों? यह प्रश्न वो संविधान सभा में अपने इस अंतिम भाषण में उठाते हैं। जो 25 नवंबर का भाषण है उनका, उनके भाषण के अंतिम पैराग्राफ में आपको पढ़ करके सुनाता हूं, उनकी चिंता हमारे ध्यान में आ जाएगी। ऑनर जनवरी 1950 इंडिया विल बी एन इंडिपेंडेंट कंट्री। व्हाट वुड हैपन टू हिज इंडिपेंडेंस? विल शी मेंटेन हर इंडिपेंडेंस और विल शी लूज इट अगेन? दिस इज द फर्स्ट थॉट दैट कम्स टू माय माइंड। इट इज नॉट दैट इंडिया वाज नेवर एन इंडिपेंडेंट कंट्री। द पॉइंट इज दैट she once lost the independence she had. Will she lose it a second time? It is a thought which makes me most anxious for the future. What perturbs me greatly is the fact that not only India has once before lost her independence, but she lost it by the infidelity and treachery of some of her own people. We इतिहास के कुछ मार्मिक उदाहरण देते हैं। In the invasion of Sindh by Muhammad bin Qasim, the military commanders of King Dahar accepted bribes from the agents of Muhammad bin Qasim and refused to fight on the side of their king. Second example, it was Jai Chand who invited Muhammad Ghori to invade India and fight against Prithviraj and promised him the help of himself and the Solanki kings. Third example diya. When Shivaji was fighting for the liberation of Hindus, the other Maratha noblemen and the Rajput kings were fighting the battle on the side of Mughal emperors. Fourth example. When the British were trying to destroy the Sikh rulers, Gulab Singh, their principal commander, sat silent and did not help to save the Sikh kingdom. वो परेशान हो जाते हैं। Will history repeat itself? It is a thought which fills me with an anxiety. कहते मेरे मन में दुख हो जाता है। ऐसे अनेक उदाहरण इतिहासों में देखता हूं, भारत कैसे अपनी आजादी को खो दिया। ये बाहर के लोग ही नहीं थे, हमारे अंदर के लोग थे। हम राष्ट्रीय हितों को अपनी पार्टी के ऊपर रखेंगे या राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता कर लेंगे? यह चिंता उनके मन में है।
This anxiety deepened by the realization of the fact that in addition to our old enemies in the form of caste and creed, we are going to have many political parties with diverse and opposing political creeds. Will Indians place the country above their creed, or will they place creed above country? I don't know. But this much is certain, that if the parties place creed above country, our independence will be put in jeopardy a second time and probably be lost forever. Ant mein bolte hai, we must be determined to defend our independence with the last drop of our blood. इस तरह से संविधान सभा का उनका अंतिम भाषण. मेरी आपसे विनम्र विनती है कि डॉक्टर साहब के इस अंतिम भाषण को गंभीरता के साथ सबको पढ़ना चाहिए. वो संक्षेप में जरूर है, 7-8-10 प्रश्नों का है बस, लेकिन 20-25 मुद्दे उन्होंने उठाए जो देश के भविष्य के लिए हैं. मैंने सब मुद्दों को यहां छूने का कोशिश नहीं किया है. वो कहते हैं लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी आएगी, डेमोक्रेसी आएगी, लेकिन लोगों के मन में आएगी कि नहीं आएगी? हम अस्पृश्यता को दूर करने का कानून तो बना देंगे, ये कानून लागू होगा क्या? लोग मन से इसको स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे? लोगों के मन के अंदर परिवर्तन कौन लाएगा? और जो कहते हैं कि समाज सुधार के लिए लोगों का मन बनाइए, कानून से ऊपर लोगों का मन है, अगर वो मन सुधर जाएगा तो देश शीघ्रता से आगे बढ़ेगा. तो एक और देखते हैं हम, वे बड़े अर्थशास्त्री है, वे समाज शास्त्री है, वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, वो एजुकेशनिस्ट है, बैरिस्टर भी है, वो पार्लियामेंटेरियन है, मिनिस्टर भी है, लेबर लीडर भी है, सोशल रिफॉर्मर भी है, नॉट नॉट सब कुछ है. बट डिटरमाइंड फॉर वन, एक मौलिक बात के लिए वे समर्पित हो गए. अपने देश के लिए क्या करना, बड़ी कमाई के लिए नहीं लगे. वो चाहते तो बहुत बड़ी कोठी, बिल्डिंग और पैसा कमा सकते थे, वो छोड़ दिया. अपने देश के गरीब लोगों की चिंता, अपने उस समाज की चिंता जो सैकड़ों वर्षों से कष्ट में, दुख में है. आज 75 वर्ष के बाद हम लोग अपने अंतर्मन से पूछे, क्या हमारे संस्थानों में ऐसा छोटा मोटा भेदभाव तो नहीं होता? हमारे गांव में, गली में, मोहल्ले में भेदभाव तो नहीं होता? क्या हमारे सारे समाज के लिए एक लेप्रोसी की तरह है, एक कुष्ठ की तरह सारे समाज में जो लगा हुआ है? डॉक्टर अंबेडकर की लड़ाई इस सारी बीमारी से है. हमारे संविधान ने अधिकार दिए हैं, हमारा मौलिक दर्शन भी अधिकार देता है, सबके अंदर परमात्मा देखता है, व्यवहार कैसा करता है. तो मन के अंदर बैठ गई बीमारी, इसको दूर करना और हर दृष्टि से अपने देश की उन्नति के लिए काम करना. बहुत पीड़ा में आकर के भी उन्होंने कुछ लिखा, लेकिन वो छपने के लिए नहीं लिखा, लिख करके रख दिया, लोगों ने उत्साह में छपवा दिया, कोई बात नहीं. और इसलिए उनके जीवन में कभी उत्साह भी आता है, कभी दुख भी आता है, आशा भी आती है, कभी निराशा भी आती है. हर तरह के फेस से वे गुजरे हैं, और इसलिए उनके सारे साहित्य को समग्रता से विचार करें, उनके जीवन को देख करके विचार करें, उस परिस्थिति में अपने को रख करके विचार करें. वो मिनिस्टर है, लेकिन चपरासी उनको हाथ में फाइल नहीं देता. वो बैरिस्टर है, मकान किराए पर नहीं मिलता. ऐसे व्यक्ति के मन में कैसा आता होगा? और इसलिए वे घोषणा कर देते 1935 के आसपास, मैं हिंदू धर्म में मरना नहीं चाहता. लोग परेशान होते हैं, लेकिन वेट करते हैं, 21 वर्ष तक प्रतीक्षा भी करते हैं, और धीरे से वे उसी धारा को पकड़ते हैं जो इस देश की सनातन धारा है, और भगवान बुद्ध के श्री चरणों में चले जाते और देश का कम से कम अहित करते. उनके इस निर्णय से बहुत कम अहित होता है देश का. ये बात उन्होंने कही भी है कि मैंने गांधी जी को आश्वासन दिया था कि मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे देश को इतना कष्ट हो. और इसलिए आप सभी से प्रार्थना है कि इसको समग्रता के साथ हम लोग अध्ययन करें. इनको शोध करना है, वे शोध करें और इस विषय पर आगे बढ़े.
उनके राष्ट्रीय विचारों को, राष्ट्रीय मंतव्य को गहराई से समझें, उनके दुख को भी समझें, उनके उद्देश्यों को भी समझें, उनके आह्वान को समझें, तब हम उनको ठीक प्रकार से समझ पाएंगे। केवल एक पॉलिटिकल लीडर के नाते से न समझें। बस यही मेरी विनम्र प्रार्थना आपसे है। नमस्कार।